नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूँ स्वाति आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार शरीफ के अंतर्गत फतेहली गांव पहुंचकर इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया। तो आइए एक नजर पूरी खबर पर डालते हैं कि ये जो इथेनॉल प्लांट का मुख्यमंत्री ने आज शुभारंभ किया है, इससे आने वाले समय में क्या क्या लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को यानी कि आज बिहार शरीफ प्रखंड के अंतर्गत फतेहली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने चंद्रिका पावर के इथेनॉल प्लांट का रिमोट के जरिए शुभारंभ किया। इस प्लांट का निर्माण जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता राजीव रंजन के पुत्र रुहेल रंजन के द्वारा कराया गया। रुहेल रंजन ही प्लांट के डायरेक्टर हैं। इस प्लांट में प्रत्यक्ष रूप से 200 लोग जबकि अप्रत्यक्ष रूप से 1200 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके सृजन हो जाने से आसपास के किसान भी काफी लाभान्वित होंगे। मक्का एवं धान से इथेनॉल का उत्पादन होगा। प्लांट में प्रतिदिन 60,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा। इसके लिए आसपास के राइस मिलरों एवं किसानों से मक्का एवं चावल के लिए समन्वय स्थापित कर लिया गया है। आने वाले समय में हाइब्रिड इंजन में इथेनॉल के उपयोग से ही वाहन चलेंगे। इससे प्रदूषण कम होती है, साथ ही पेट्रोल के दामों पर भी अंकुश लगेगा और पर्यावरण प्रदूषित होने से भी बचेगा। साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इथेनॉल प्लांट में 15 मिनट ही रुके। उद्घाटन के उपरांत वहां मौजूद लोगों से बातचीत की, इसके बाद सड़क मार्ग से वापस पटना लौट गए। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री मीडिया से दूरी बनाए रखे। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ DDC, SDO, सदर DSP के अलावे कई पदाधिकारी मौजूद रहे। चंद्रिका पावर के इथेनॉल उत्पादन प्रतिष्ठा के डायरेक्टर रोहिल रंजन ने बताया कि यहां पर 60,000 लीटर का इथेनॉल प्लांट बन गया है, जिसमें मक्का और चावल के जरिए इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। स्थानीय किसान और आसपास के राइस मिलरों से चावल और मक्का की खरीदारी की जाएगी, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। चंद्रिका पावर के इथेनॉल उत्पादन प्रतिष्ठान में प्रत्यक्ष रूप से 200 लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से 1200 से अधिक लोग सीधे सीधे इथेनॉल फैक्ट्री से जुड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्था की गई। जगह जगह पर मजिस्ट्रेट समेत दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी। तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा पहुंचे थे, जहां उन्होंने इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया। वहीं इस प्लांट के जरिए लगभग 1200 लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही बता दें कि इस प्लांट के जरिए प्रतिदिन लगभग 60,000 इथेनॉल का उत्पादन भी होगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।